आज भीलवाड़ा में जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल है उसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई पैनल है उसमें आग लग गई थी और उसमें उनका अटेंडेंट वहीं था और उससे शॉर्ट सर्किट होना बताया गया है। वो भी जांच का विषय है, जांच करेंगे। लेकिन इससे क्या है कि एक तो हॉस्पिटल की जो मेन पावर लाइन है उससे कोई कनेक्शन नहीं है इसका, ये ऑक्सीजन सप्लाई पैनल ही था और तुरंत फायर फाइटर से इसको बुझा दिया गया। और अब हम सभी हॉस्पिटल्स की मतलब फायर ऑडिट करवाने जा रहे हैं और राज्य सरकार के भी आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, तो उसी के अनुरूप पीडब्ल्यूडी के इलेक्ट्रिकल विंग के जो इंजीनियर्स हैं वो डॉक्टर्स, प्रशासनिक अधिकारी, सिविल डिफेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनके साथ मिलकर मॉक ड्रिल भी करेंगे और इसकी ऑडिट की जांच भी कराएंगे। इसमें कुल 46 पेशेंट्स थे, जनरल पेशेंट थे, वो यहीं पे हैं अभी, और 21 कोविड पेशेंट थे जिनमें से दो हॉस्पिटल्स में अलग अलग और भेजे गए हैं, जैसे 9 BBM हॉस्पिटल में हैं, 4 कृष्णा हॉस्पिटल में हैं और शेष यहीं पे हैं। और कोई चिंता की बात नहीं है, रेगुलर हॉस्पिटल अभी चल रहा है।